चेत में पुनर्जन्म का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। 8 साल पहले एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई थी, जिसके पुनर्जन्म की कहानी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आइए आप भी देखिए। पूरी हैरतअंगेज कहानी अलाउद क्षेत्र के ग्राम मंगलपुर से जुड़ी है। यहाँ एक 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा नानी के पैर छुओ। इस बात पर वह नाराज हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपने बच्चे बताने लगा। यह बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिरकार 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। जब उससे बारीकी से पूछा गया तो उसने बताया कि 8 साल पहले हुए खेत में पानी लगा रहा था, उसी दौरान उसको सर्प ने काट लिया था। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटे को छोड़ गया था। 2015 में मनोज मिश्रा रतनपुर के रहने वाले थे। वे अपने खेतों में पानी लगाने गए थे, इसी दौरान उनको खेतों में सर्प ने काट लिया। परिवार वालों ने काफ़ी इलाज कराया लेकिन उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री गर्भवती थी। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद पुत्री रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम आर्यन पड़ा। 4 साल बाद आर्यन ने रतनपुर गाँव का नाम लेना शुरू कर दिया और उसके बाद अपनी पूरी कहानी बता डाली। आर्यन ने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ नहीं। और जब वह अपने नानी के घर आया तो उसने नानी को नाम से बुलाया और कहा कि आप मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और दोनों मामाओं को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पूरा परिवार सकते में आ गया था। आर्यन ने मनोज मिश्रा के रहते हुए बैंक खाते में पैसे जमा तक बता दिए। पुराने जन्म की बात कुछ याद है क्या याद है जरा बताओ उनको एक बार। सांप ने काट लिया था। आपको कहाँ पे काटा था? पैर में। किस जगह पे काटा था, मतलब कहाँ, क्या कर रहे, कहाँ पे थे? जंगल में थे, खेत में थे, कहाँ थे आप? खेत में क्या कर रहे थे? खेत में पानी लगा रहे थे। फिर क्या हुआ था? सांप आया, काट लिया। हाँ, और काट लिया उसने, पूछे बोलो काट लिया। फिर बेहोश हो गया। फिर बेहोश हो गया। फिर कितना याद है, कहाँ अस्पताल गए थे? क्या अस्पताल का याद है? उसके बाद क्या हुआ? अस्पताल को नहीं, फिर नहीं पता। अच्छा, तो आपको अपने पुराने घर की याद आती है? नहीं आती। तो आप किसके पास रहोगे? आप पापा के पास। अच्छा, और कुछ याद है? आपके कितने बेटे थे उस समय? तीन बेटे। दो बेटे थे और एक लड़की, एक बेटी। टोटल 3 बच्चे थे। अच्छा, नानी ओ आपकी पत्नी एक पत्नी आपकी कहाँ है? वो मिले उनसे अभी इस जन्म में मिले? अभी पत्नी कहाँ है, वो वाली पत्नी कहाँ है आपकी? नानी है। कहाँ है नानी? कहाँ है? वहाँ पे। कहाँ, दिखाओ। ये कौन है आपकी? नानी है। पहले जन्म की कौन है? हाँ, पहले जन्म की कौन है? पत्नी। तब भांजा आर्यन 8 साल का बच्चा है जी, क्योंकि पुनर्जन्म की बात कर रहा है जी। क्या है ये पूरा? ये मामला ये है कि अगर वो जब आता है ना, तो जैसे उसे नंगा अंगा करते हैं, वो किसी के सामने नंगा नहीं होता। पहली बात तो ठीक है, अगर हो भी जाएगा, अगर कोई परेशान करेगा, तो वो आज उसे सुबह सुबह नंगा किया बड़े भैया ने, तो ये कह रहा कि मैं मर ही जाऊँगा, मैं किसी के सामने नंगा नहीं होता। ठीक है, और जब वो अपने मन पर होता ना, वो सब बताते हैं। मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था, तो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने लगवाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है, और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा। तो राजू कुछ नहीं, वो आपकी माता जी को बताता है कि ये पत्नी है हमारी। हाँ, वो तो कहता है, पत्नी कहता है मुझसे भी, तो कभी कभी अजय ही कहता है, लड़का ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बचपन है उसका, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वो बताएगा तो मैं अपने पास रखूंगा उसको। अपने पास रखा? हाँ।
जहाँ शादी हुई है आपकी सिस्टर की, वो लोग नहीं विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे तो विरोध करने तो क्या दिक्कत जा रही है, जब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी हैं मैं तो रखूंगा उनको अपने पास में।